दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में मोटर बहुत ही ज़रूरी है और आजकल सभी जगहों पर ज़्यादातर मोटर ही यूज़ किया जा रहा है। चाहे आप बात करें इलेक्ट्रिक बाइक का या इलेक्ट्रिक कार का, और यहाँ तक कि हमारे टूथब्रश में भी मोटर को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये मोटर काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है ये मोटर? तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, किसी और टॉपिक के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर ओपन कर लिया हूं एक डीसी मोटर। डीसी मोटर बहुत तरह के आता है, यानी कि हमारे टूथब्रश में भी जो मोटर यूज होता है वो भी एक डीसी मोटर होता है, और कार को भी चलाने के लिए डीसी मोटर को ही यूज किया जाता है। तो यहां पर आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा डीसी मोटर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर ये एक डीसी मोटर है जो कि काफी पावरफुल है, जिसे मैं ओपन कर लिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये मोटर काम कैसे करता है। तो यहां पर देख सकते हैं, ये है बॉडी इस मोटर का, और इसके अंदर में लगाया गया है दो मैग्नेट, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों साइड में दो मैग्नेट लगाया हुआ है। अलग अलग मोटर में अलग अलग यहाँ पर मैग्नेट लगाया जाता है, जैसे कि इसमें दो है, किसी में चार भी हो सकता है, किसी में छः भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे मोटर में, इस साइज़ के मोटर में दो ही मैग्नेट दो साइड में लगा दिया जाता है। उसके बाद इस आर्मेचर को इसके अंदर में डाला जाता है। तो ये क्या काम करता है मैग्नेट, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मोटर है डीसी मोटर, वो सभी का सभी यहाँ पर मैग्नेट के ऊपर में ही काम करता है। आपको पता होगा मैग्नेट का दो यहाँ पर साइड होता है, एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। नॉर्थ साइड और नॉर्थ साइड, जो कि आप दो मैग्नेट को अगर टच करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का मारता है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ को पलट देंगे, एक मैग्नेट को पलट देंगे और साउथ और नॉर्थ को एक साथ में चिपकाएंगे, तो वो आसानी से खींच लेगा और चिपक जाएगा। ठीक वैसे ही ये काम करता है मोटर। यहाँ पर जैसे ही आर्मेचर को हम लोग डालते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट है जो कि एक साइड नॉर्थ होगा और एक साइड साउथ होगा इसमें, और इस आर्मेचर को जैसे ही डालते हैं इसके अंदर में, तो ये आर्मेचर में भी एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसे टच करते हैं, तो इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाता है, और यहाँ पर एक परमानेंटली मैग्नेट तो पहले से है ही है। तो ये क्या करता है, नॉर्थ वाला धक्का मारता है नॉर्थ को, और साउथ वाला नॉर्थ को खींच लेता है। फिर ये सिलसिला ऐसे चलते रहता है और हमारा मोटर चलता है। तो कुछ इसी तरह से ये काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्यूटेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, जिसमें ये दो ब्रशेस देख सकते हैं, ये कार्बन ब्रश रहता है, इसके ऊपर ये अटैच रहता है, जिससे ये हमारा मोटर में एनर्जी दिया जाता है, करेंट को दिया जाता है। कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये रहता है। तो जैसे ही इसको हम लोग करेंट देते हैं, इसमें मैग्नेट बनता है, और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये मैग्नेट है, इसको धक्का मारना शुरू करता है, और नॉर्थ नॉर्थ को धक्का मारता है, साउथ साउथ को धक्का मारता है, और साउथ नॉर्थ को खींचता है, नॉर्थ साउथ को खींचता है। तो कुछ इसी तरह से हमारा ये मोटर काम करता है, जो कि ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के मोटर को आसानी से समझ सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को धक्का मारता है और साउथ साउथ को खींचता है, तो हमारा जो मोटर है वो रोटेट होता है, घूमता है। और यहाँ से इसको इजी बनाने के लिए, इसमें करंट देने के लिए यहाँ पर कम्यूटेटर लगाया गया है, और इसके ऊपर में ये कार्बन ब्रश को लगाया जाता है, जिससे यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक या फिर बैटरी या करंट देने में हमें ईजी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मोटर काम कैसे करता है ईजी, और इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझा सकता हूं आप लोगों को। यहां पर सीधे सीधे मैं आपको समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा तो कॉमेंट कीजिए, मैं पूरे डिटेल्स में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे और भी एडवांस वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।